नमस्कार आदाब सत मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर दिस इज ऑफ जून विद मी रोज दूसर साढ़े सात लेट हुए हैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा ओके कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द्लास सो रोज की तरह यहां आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं यहां पर हम करते हैं डेली न्यूज एनालिसिस डेली करंट अफेयर्स और आठ बज के दस मिनट पे रहती है मेरी एमसीक्यू क्लास ओके okay, सो so, एक और आज एक इनिशिएटिव उम्मीद करता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपने देख लिया होगा अब से अब से रोज शाम को आठ बजे रोज शाम को आठ बजे अन्यकेडमी के स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे अन्यकेडमी के स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे रोज रात को आठ बजे करंट अफेयर्स में करवाऊंगा और वो करवाऊंगा एक्सक्लूसिव हिंदी में ओके ये जो हमारी क्लास है ये as चलती रहेगी बट रात को आठ बजे हमारी हिंदी में करंट अफेयर्स होगी जो मैं इंग्लिश में सामने आपके सामने डिटेल डिस्कशन लेकर आता हूँ वो आपके लिए हिंदी में हुआ करेगी आज रात आठ बजे से सो उस क्लास को भी अटेंड करना अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं और अगर आप हिंदी में आ, मुझसे पढ़ना चाहते थे तो उनके लिए मैंने आज से एक प्रयास किया है उम्मीद करता हूं मेरा प्रयास जो है वो आपको पसंद आएगा और आप मुझसे कनेक्ट करेंगे और आपको जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही थी जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको अब वो मुश्किल नहीं आएगी तो पूरा का पूरा मैटर जो है मैं हिंदी में सामने दिखाऊंगा और हिंदी में ही आपको जैसे समझाता हूँ समझाने का तरीका वही रहेगा बस जो मैटर मैटर है सामने वो हिंदी में आपको दिखाई देगा ओके ओके ऑडियो वीडियो सो ठीक है तो इसको भी आज रात आठ बजे मैंने टेलीग्राम पे लिंक सब शेयर कर दिया है तो जरूर अटेंड करना जो लोग भी हिंदी के आपके uh, करना चाहते हैं मुझसे कनेक्ट मुझसे पढ़ना टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस विद कपिल कार्ड पर लिख लीजिएगा ये लिंक है उसका ओके okay, नीति कोड अन सब्सक्रिप्शन के लिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की uh, कोई भी आ सकता है अन अकेडमी स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म जैसे आठ बजे दस मिनट भी आते वैसे आ सकता है अगर आपको लगता है कि मुझे रिवीजन करनी है हिंदी में कर सकता हूं मैं तो आ जाना कोई इसमें इश्यू नहीं है यही मैटर आपको वहां पर हिंदी में मैं समझाऊंगा रात को आठ बजे

एक चीफ आर्किटेक्ट एक कह सकते हैं बेसिक जो आइडिया देता है पर्सन बताता है कि हां ये चीज ऐसे ही

इन डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं एंड यहां पर राजेंद्रन जी चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं यूपीए के यूपीए के राइट नेक्स्ट चलते हैं इंडियन uh, Uh, जो हम आई की बात कर रहे हैं ये ये आपका क्या है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क हैज ओवर 290 एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया आपके जो मेंबर हैं इसके आपके और ये आपका बेसिकली एक प्रकार से एक दूसरे बैंक के साथ कनेक्ट करने में एक दूसरे बैंक के साथ कनेक्ट करने में आपका ये नेटवर्क जो है ये आपका अहम भूमिका निभाता है नेटवर्क इन द सेंस आपका स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैसेजिंग सिस्टम एस sfms over 220 banks use this platform for interbank financial and non financial messages like the आप rtgs neft आप जब भी करते हैं तो obvious है आपको दूसरे बैंक के साथ कनेक्ट होना पड़ता है तभी दूसरे बैंक में आपका पैसा जाता है right? Real-time ग्रॉस settlement क्या था तो एक ब्रांच की बैंक की दूसरे बैंक की दूसरी ब्रांच में पैसा भेजा जाता है तो obvious है एक बैंक दूसरे बैंक से through कनेक्ट करता है ये कनेक्शन होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस में के में आता है, बट ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो नेटवर्क चाहिए दैट नेटवर्क इज द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क ओके और या फिर उसको हम जो टेक्निकल भाषा में उस नेटवर्क को उस चीज को हम स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम कहते हैं ओके okay, सो so ये याद रख लीएगा क्या कहते हैं एस एफ एम एस कहते हैं जिसके थ्रू आर टी जी एस एनईफ टी लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी एक दूसरे बैंक के साथ अगर आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो ये पॉसिबल हो सकती है ओनली थ्रू एस एफ एम एस यहां पर एस एफ एम एस की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपके एग्जाम पॉइंट से कितने बैंक इसके मेंबर हैं दो सौ नब्बे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके मेंबर है. okay, हैं ओके नेक्स्ट चलते हैं और हां इसके हैं 290 और नीचे 220 राइट ची मेला एट द का टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री सो यहां पर आपका कामख्या टेम्पल पे जो आपका सदियों पुराना जो आपका मेला चलता आ रहा है वो पहली बार आपका नहीं होगा okay, पांच दिन का ये अबूबाची मेला विल नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ड्यू बाय कीपिंग इन माइंड दॉसिबिलिटी ऑफ दी कोविड 19 सो so, ये कामख्या टेम्पल कहां पर है ये लोकेटेड है नीलाचल हिल ये आपका मदर गोडस कामख्या को आपका डेडिकेट किया गया है एंड टेंपल पर हिस्ट्री वाज बिल्ड बाय द किंग नरकासुरा एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल फ्रॉम 1565 द टेंपल वाज रीबिल्ड बाय द कोच किंग नारायण कमख्या आपके इक्यावन पीठ में से है पीठ क्या होते हैं शक्ति पीठ अगर आपने कभी कहानी सुनी होगी आपकी मैथोलॉजिकल आपका जो पुरानी उसमें आपने सुना होगा हमारे जो शिव जी हैं हमारे जो गोड़स गोड़ माने जाते हैं शिव भगवान हम जय महादेव बहुत नामों से जानते हैं उनकी जो आपकी धर्म पत्नी सती ओके सो उनके जो आपके बॉडी पार्ट्स है वो बहुत सारी जगह पर आपके अलग अलग जगह पर आपका गिरे थे सो यहाँ पर उसको हम जो जो जगहें यहाँ पर हैं उनको हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं और उनमें से वो टोटल इक्यावन शक्ति पीठ है उनमें से एक शक्ति पीठ आपका नाम की जगह है कमाख्याज दी कमाख्या टेंपल नीलाचल हिल याद रख लेना लोकेशन कहां पर है नीलाचल हिल कमाख्या टेंपल कहां पर है गुवाहाटी में है गुवाहाटी में है और इसके जो मेला है उसका नाम क्या है आबूबाची मेला सो यहां पर आबूवाची मेला जो है इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आबूबाची मेला कौन सी जगह पर या कौन से टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था जो अब इस बार नहीं आयोजित किया जाएगा ओके सो ये भी आपका वाइस वर्षा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट चलते हैं जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर टू बी लॉन्च बाय द झारखंड गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट आपका एमजी नरेगा जो स्कीम है उसी की तर्ज पर आपका एक जो लोगों के लिए अर्बन पुअर के लिए आपका गारंटी स्कीम लेके आई है जॉब गारंटी स्कीम लेके आई है एंड इस स्कीम का नाम आपका मुख्यमंत्री श्रमिक रखा गया मुख्यमंत्री श्रमिक रखा गया है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार ये स्कीम का नाम है इसको कैबिनेट की मंजूरी अभी नहीं मिली है बट स्टिल खैर मिल जाएगी जा, प्रपोजल आ गया है टू बी लॉन्च दी बाय द दी झारखंड गवर्नमेंट एंड ये आपका दूसरा ऐसा स्टेट बना है दूसरा ऐसा स्टेट बना है जिसने इस तरह की स्कीम को लॉन्च किया है पहले आपका केरला था ओके केरला में ये आपकी इस तरह की स्कीम आपकी लॉन्च की जा चुकी है और ये अब बना है दूसरा एंड ये फोकस करेगा

नेक्स्ट न्यूज है हमारी त्रिपुरा गवर्नमेंट टू स्टार्ट दी प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम सो so, यहां पर आपका 25 जून से आपका स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा ने डिसाइड किया है एक स्कीम को स्टार्ट करना यह स्कीम है आपकी एक तू खेलो एक तो पढ़ो मीनिंग प्ले लिटिल स्टे स्टडी लिटल सो यह आपका बेसिकली इनको गेम्स जाएंगी गेम्स के थ्रू स्टडी करवाई जाएगी और ये आपकी स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी वाया एस और दी व्हाट्सएप सो यहाँ पर जिनके पास स्मार्टफोन्स है जिनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स है वो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है वो एस के थ्रू इसको आपका एक्सेस कर सकते हैं एंड एप

ये भी पूछा जा सकता है त्रिपुरा गवर्नमेंट आपको जस्ट इतना याद रखना है फोर थ्री नाइन एट थ्री थ्री फाइव याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट यूनिट नंबर त्रिपुरा एंड दी दस वन ओके दैट्स इट नेक्स्ट चलते नीति आयोग ने एक पैनल बनाया है जिसको चेयर करेंगे अमिताभ कांत जी राइट सोबर ये पैनल आपका बेसिकली रिलेटेड है माइग्रेंट लेबर से माइग्रेंट लेबर से रिलेटेड है नीति आयोग ने आपका बनाया है एक कमेटी जिसमें आपके बहुत सारे एक्जीक्यूटिव आपके टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव आपके शामिल है जिसको हेड करेंगे अमिताभ कांत और ये आपका एक जॉब प्लेटफॉर्म माने की बात कर रहे हैं जिससे आपका हेल्प मिलेगी माइग्रेंट वर्कर्स को एज वेल एज द ब्लू कॉलर वर्कर्स ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं एक होते हैं व्हाइट कॉलर

राज्य है वहां पर पहुंची है सो दैट इज द माइग्रेंट लेबर उनके लिए अमिताभ कांत जी के द्वारा हेड किया जाएगा ये पैनल और ये सब किसी भी चीजें आपके पॉसिबिलिटीज जो भी हैं वो आपकी यहां पर रखेंगे इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री प्रेसिडेंट किरण थॉमस माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीपी गुरनानी गूगल इंडिया के आपके वाइस प्रेसिडेंट संजय गुप्ता भारतीय एयरटेल के गोपाल विट्तल एमएसएमई सेक्रेटरी ए के शर्मा ये आपके उस उन इस कमेटी के आपके मेंबर रहेंगे

सो so, इसकी एक मीटिंग हाल ही में आयोजित की गई अंडर ऑफ़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया आपका ई e की 2020 की आपकी मीटिंग ये पहले आपकी चाइना में होनी थी बट फिर चाइना में नहीं हो पाई ये एंड दिस वर्चुअल मीटिंग इज द चेयर बाय द ई ए जी रशिया से आपके बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पर डिप्टी चेयरपर्सन का नाम भी लिखा हुआ है खैर ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है चाइना में पहले होनी थी बट फिर एफ ने इसको ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग आपका डिसाइड डिसाइड किया आपका ये की जाएगी एंड ई e की बात करें एजी आपके एक रीजनल बॉडी है जिसमें नो नेशंस आपके हैं नाइन नेशंस इंडिया रशिया चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान एंड उजबेकिस्तान बेलारूस ओके okay, सो so इन नो के नो नाम आपको याद करने पड़ेंगे ईएजी में नो नेशन ओड वन आउट के फॉर्म में पूछा जा सकता है एंड ये एफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ही एक आपका ग्रुप है एफ की बात करें तो का पैरिस में है थर्टी नाइन कंट्रीज इसके मेंबर है एंड इसके प्रेजिडेंट जिया मिन लियुई है ओके सो यहां पर आपका

वो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सी करती है इसका काम है आपका पूरी दुनिया में जो भी टेररिज़म को फाइनेंस किया जा रहा है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग आपका हो रहा है आ, उस चीज को आपका रोकना उस चीज को आपका चेक करना उस चीज को आपका मॉनिटर करना और उनपे सुटेबल एक्शन लेना सो ये एफएटीएफ के बारे में उसी की एजेंसी उसी का एक पार्ट ईएजी ग्रुप है जिनकी अभी हाल ही में आपकी मीटिंग हुई है सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपका बनेगा कि इसको किसने चेयर किया है पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा ठीक है तो ये नाम याद रख लीजिएगा ये ग्रुप जो है ई एजी इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा ये ग्रुप किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए ग्रुप किसके अंडर काम करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर काम करता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी कंट्रीज के बारे में ओड वन आउट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कितनी टोटल नेशन है ये पूछा जा सकता है और एफ के स्ट्रेटिक तो इंपोर्टेंट है ही नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं एक्सिम बैंक ने 20.10 मिलियन डॉलर आपका देने का फैसला किया निकार Nikar, को okay, को ओके आपका एक्सिम बैंक ने दो दस मिलियन डॉलर देने का फैसला किया फॉर द ऑफ द चेवारिया हॉस्पिटल वहां पर सो बेसिकली एलओसी दैट इज दाइन ऑफ क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है लाइन ऑफ क्रेडिट आपका एक प्रकार से लोन एडवांस ही है एक बार क्या किया जाता है एक बार हम किसी को भी लाइन ऑफ क्रेडिट घोषित कर देते हैं बहुत

लेकिन जिसने भी उसको पैसा दिया है एक बार उसको 100 करोड़ सौ रुपए की इकट्ठी मंजूरी दे दी है so, सो सौ रुपए के अंदर अंदर वो टाइम टू टाइम आपका इसको वेल करता रहेगा सो so, ये लाइन ऑफ क्रेडिट आपका निकारगुआ को दिया गया किसने दिया एक्सिम बैंक ने दिया एग्जाम पॉइंट एक्सिम बैंक ये पूछा जा सकता है एंड यहां पर अभी तक अभी तक आपका फोर एल आपकी फोर एल आपकी दी जा चुकी है निकार को ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जिसकी टोटल वैल्यू एट्टी मिलियन

क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म सो यहां पर आपका हिंडाई मोटर लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया एच डी एफ सी बैंक के साथ टो तो ऑफर इंडिया का पहला ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंस बेसिकली so, क्या है ऑनलाइन आप जाएंगे SDFC के वेबसाइट के पे और आप अप्लाई कर सकते हैं अपने the okay, so उनको लोन आपका सकते हैं, आप और आपको लोन भी ऑनलाइन के फॉर्म में मिलेगा अपने आप सब चीजें आपको मिलती जाएंगी आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो so यहां पर फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग किसके साथ देखने को मिली है एच डी एफ सी बैंक

नेशनल चैंपियन निकी कलंदिया पोन, पोनाचा इलेक्टेड टू आईटीएफ मैन्स टेनिस पैनल सो यहां पर मैन्स टेनिस पैनल के आपके मेंबर बने हैं आपके इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अनाउंस किया है निकी कलंदिया पोनाचा को नेशनल चैंपियन रह चुके हैं आपके ये टेनिस में एंड इनको एज अ मेंबर आपका चुना गया है और ये आपका एशिया ओशियानिया जोन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग विद टी चैन ऑफ दाइनीस टेपाई सो नाम याद रख लेगा एग्जामीडा ये नाम दे देंगे बोलेंगे कि कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे और ये बिलोंग करते हैं आपके टेनिस से बिलोंग करते हैं एंड इनको किसका मेंबर बनाया गया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एशिया ओशियानिया जोन का इनको प्रेजिडेंट मेंबर बनाया गया है मेंबर चुना गया है किसके साथ टी चैन ऑफ दाइनीज टेपाई के साथ नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं Uh, वीर चक्रावर्डी मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लहल इनका हाल ही में निधन हो गया वीर चक्रावर्डी रिटायर्ड मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह लहल इनका निधन हो गया पंजाब में जन्म लिया था एंड ये 1940 एंड 1971 में जो वॉर हुई थी उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी को इन्होंने ज्वाइन किया था आपका एज ए टेरी कमीशन एंड लेटर फोर्टी थ्री में इनको आपका शामिल किया गया था परमानेंट एंड इन्होंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी नाम की एक बुक लिखी है 65, so, say, Singh, General, hai, hai. 1965 इंडो पाक वॉर पे सो एग्जाम पॉइंट से लक्ष्मण सिंह आपसे कौन थे मेजर जनरल ऑलरेडी आर्मी में रह चुके हैं रिटायर्ड हैं। 1965 इंडो पाक वॉर पे कौन सी बुक लिखी अलग से पूछा जा सकता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी किसके द्वारा लिखी गई है जनरल लक्ष्मण सिंह लहल जी के द्वारा

इस बार ये आपका फोकस करेंगे किस पे फोकस करेंगे आपका ड्यूरिंग so, आपका, आपका कर सब कुछ एवरी वन प्रैक्टिसिंग ओके घर पर रह रहे हैं स्टे होम स्टे स्टे आपका बेसिक इसका एजेंडा इस बार इन्होंने शो किया है तेईस so, जून कब किया था पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड 1948 में आपका नो no कंट्रीज ने आपका इसको एक साथ सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल ओलंपिक डे 1948 में जब पहली बार सो so, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में यहाँ पे लिखा है इसका हेडक्वार्टर लोजानी स्विटरलैंड में है एंड फाउंड किया गया था आपका पियरी डी कॉबटाइन एंड दिखलास के द्वारा तेईस जून एटीन को Day, 23 नेशन जनरल असेंबली टू बी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे इन ऑर्डर टू हाईलाइट वैल्यू एंड वर्च्यूफ पब्लिक सर्विस टू कम्युनिटी ओके सो ये आपका पहली बार ऑब्जर्व किया गया था और लेटर ऑन ये अब तेईस जून को आपका ऑब्जर्व किया गया so, say, उस दिन आपका इन्होंने फाइनलाइज किया था कि 23 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा सो डे इज़ आल्सो ऑब्जर्व सो दैट ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर डेवलपमेंट सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं और इस बार उनका वर्कर हेल्थ केयर सैनिटेशन पब्लिक सर्वेंट सोशल वेलफेयर ग्रुप्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिन्होंने अपनी लाइफ uh, को रिस्क पे रखा है सर्विस डे 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा इसी तरह बने रहेगा मेरे साथ रात को आठ बजे हिंदी में करंट अफेयर्स होगी मैं फिर से बता दूं जिन लोग लेट आए थे अब से आपकी करंट अवेयर इंग्लिश एंड हिंदी में होगी इंग्लिश में या कंटेंट जो सामने दिख रहा है अभी मैं सुबह आपको साढ़े सात कराऊंगा और रात को आठ बजे एक्सक्लूसिव यही कंटेंट आपको हिंदी में देखने को मिलेगा और मैं हिंदी में जो एक्सप्लेन करता ही हूं सो रात को आठ बजे अन्य अकेडमी के स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर वो क्लास होगी लिंक मैं उसका शेयर कर चुका अपने टेलीग्राम चैनल पर जो जाकर आज रात को आठ बजे सभी के सभी लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आ जाइएगा जो लोग हिंदी का फायदा उठाना चाहते हैं हिंदी से मुझसे पढ़ना चाहते हैं बट अब तक नहीं पढ़ पाई या आपके जो दोस्त हैं जिनको नहीं मालूम था कि हाँ सर हिंदी में पढ़ाते हैं या वो मुझसे पढ़कर जा चुके हैं हिंदी के हिंदी में नहीं था इसलिए तो उनको भी बताइएगा कि रात को आठ बजे अनकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे हिंदी में करंट अफेयर स्टार्ट हो रही है तो जरूर उसको अटेंड कीजिएगा सेशन वही इतने ही मिनट का रहेगा जो बीस पच्चीस मिनट की हमारी ये क्लास होती है वही हमारी बीस पच्चीस मिनट की क्लास होगी और आपकी रिविजन भी हो जाएगी अगर इनकेस अगर आप इंग्लिश में हैं और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपकी रिविजन भी एक क्विकली हो जाएगी उसमें बीस मिनट की क्लास में चलिए आपको मिलता हूं आठ बज के दस मिनट पे एमसीक्यू क्लास में आ, कुछ न्यूज मैंने आज रखी क्योंकि क्लास हमारी आज शॉर्ट थी तो मैंने कुछ न्यूज रख ली डोंट वरी मैं कल की क्लास में उनको सबको कवर करवा दूंगा आ, टेंशन मत लो न्यूज आज कम है इसलिए क्योंकि क्लास हमारी शॉर्ट करनी पड़ी मुझे टेक केयर बाय सी यू एट दी एट टेन क्लास जल्दी से वहां पर आ जाओके जल्दी से आ जाओ पहुंचो आठ बजकर दस मिनट एमसी क्यों डिस्क्रिप्शन में लिंक है